सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं मारुति जिम्नी के बारे में। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। मारुति सुजुकी जिम्नी 5-डोर मॉडल को अगले साल लॉन्च होने वाली एक पॉपुलर कार में से एक है। कार निर्माता जनवरी में ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले दिल्ली ऑटो एक्सपो में इसके फाइनल मॉडल वर्जन को भी पेश किया गया था। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाली ऑटो एक्सपो कार निर्माता अपने 2 आगामी एसयूवी को शोकेस करेगी, जिसमें आपको मारुति बेलिनो क्रॉस और टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस पर बेस्ड होगी। 5-डोर मारुति जिम्नी की आधिकारिक शुरुआत अब कुछ ही दिन से हो जाएगी। इसका प्रोडक्शन मॉडल भी रेडी हो चुका है। तो आइए करते हैं वीडियो को। तो बात करते हैं दोस्तों मारुति जिम्नी के पावर और इंजन ट्रेन के बारे में। भारत में इस ऑफ रोड एसयूवी को 1.5 लीटर के 50cc नेचुरली एसिपरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मॉड्यूल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट कराया जाएगा। यह सेटअप 101 bhp का अधिकतम पावर और 137 nm का टॉर्क जनरेट करेगी। नई ब्रेजा ग्रेट विटारा और अपडेटेड अर्टिगा XL6 में भी इसी पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। नए 5-डोर जिम्नी में 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी पेश किया जा सकता है। मारुति ग्रेट विटारा की तरह 5-डोर जिम्नी सुजुकी के ऑल ग्रिप प्रो 8WD सिस्टम के साथ आएगी। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि विटारा के ऑल ग्रिप 8WD सेटअप में लो रेसिंग गियर नहीं है, जो इंजन टॉर्क को बढ़ाकर और स्पीड को सीमित कर कार की ऑफ रोडिंग ड्राइविंग क्षमता को बढ़ाता है। इसमें ऑफ रोडिंग के लिए 2H 2-व्हील ड्राइव और 4H 4-व्हील ड्राइव के बीच काफी सिस्टम इसमें उपलब्ध कराया गया है। बात करते हैं मारुति सुजुकी के डायमेंशन और इसके साइज के बारे में। नई मारुति जिम्नी को लाइफ स्टाइल ऑफ रोड एसयूवी के रूप में पेश किया जाएगा, जिसकी लंबाई 3850 mm और चौड़ाई 1645 mm और इसकी ऊंचाई 1730 mm बताई गई है। व्हील बेस बढ़ाने के पीछे के दरवाजे को एडजस्ट करने और पीछे बैठने के लिए ज्यादा जगह बनाने की मदद मिलेगी। 3-डोर जिम्नी पर पीछे बैठने वाले लोगों को आगे की सीट को आगे की ओर खिसकाना पड़ता था और फिर पीछे की सीट पर बैठना पड़ता था, जो थोड़ा बोझित होता था। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो नए जिम्नी 5-डोर की आधिकारिक डिटेल्स पर अभी खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि इसमें 7-इंच यूनिट के बजाय 9-इंच बड़े टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आने वाला है। कुछ फीचर्स नई ब्रेजा और ग्रेट विटारा के लिए जाएगा। नए एसयूवी में कुछ कनेक्टेड कार फीचर्स भी हो सकती है। नए जिम्नी 5-डोर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।